नमस्कार दोस्तों, इंस्टेंट जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, के सेट के जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको इस वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे आप उनको अप्लाई करना है। पूरा वन बाय वन स्टेप का मैं आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दूंगा। और चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहले हम इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जिसमें आपका डेट का शेड्यूल, एग्जाम का शेड्यूल और एप्लीकेशन फॉर्म के भरने का शेड्यूल क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो केसेट 2021 रजिस्ट्रेशन डेट, द इम्पोर्टेंट डेट टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर केसेट 2021 कैन बी चेक्ड बिलो। केसेट 2021 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट है 15 जून, 15 जून से आप स्टार्ट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है जुलाई 10। लास्ट डेट ऑफ पे द एप्लीकेशन फी रहेगी जुलाई 13। केसेट 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म कोरेक्शन डेट रहेगी जुलाई 19 टू 22 2021। केसेट एग्जाम डेट रहेगी अगस्त में, आपका एग्जाम होगा 28 और 29। ये नोटिफिकेशन था इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल कर पाओगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप टू फिल केसेट 2021 की एप्लीकेशन फॉर्म। वन बाय वन मैं पूरे स्टेप आपको क्लियर करा दूंगा ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। द डिटेल प्रोसेस टू फिल केसेट 2021 की एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी चेक्ड बिलो, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कराना है, इनको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। सेकेंड में आपको फॉर्म फिल करना है, इमेज अपलोड करनी है और साइन अपलोड करना है। थर्ड में आपको एप्लीकेशन फ़ी, फोर्थ पे आपको प्रिंट आउट ले लेना है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है। अब मैं इनको डिटेल में आपसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन विजिट का, आप यहाँ पे देखिएगा स्टेप वन की बात कर लेते हैं। विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ kea.kar.nic और क्लिक ऑन द डायरेक्ट लिंक ऑन द वेबसाइट न्यू रजिस्ट्रेशन। वहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शो हो रहा होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी रिक्वायर्ड डिटेल भरनी है, वहाँ पे सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा एंड यूज़र आईडी ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। क्रिएट ए पासवर्ड फिल करना है विद फॉर्म फिलिंग। अगर स्टेप टू की बात कर ली जाए, यहाँ स्टेप टू पर आप देखोगे फॉर्म फिलिंग एंड इमेज अपलोड। यू विल हैव टू लॉग इन बाई इंटरिंग द यूज़र आई डी और पासवर्ड जो आपको मिला, उसके लॉगिन करना है। फिल द रिक्वायर्ड सबडेंट इन्फॉर्मेशन भरनी है, वहाँ पे क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन। उसके बाद फिल द रिक्वायर्ड एजुकेशन डिटेल भरनी है, उसके बाद क्लिक ऑन द सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन। उसके बाद अपलोड द स्कैंड इमेज और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर थम इम्प्रेशन, ठीक है। स्टेप टू आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। स्टेप थर्ड की बात कर लेते हैं। यू कैन, स्टेप थर्ड में आपको एप्लीकेशन फ़ी की पेमेंट करनी है। यू कैन पे द एप्लीकेशन फ़ी एदर ऑनलाइन और बाय डाउनलोडिंग द चलान कॉपी। इफ यू आर पेइंग द ऑनलाइन फी ऑनलाइन, यू कैन डू द सेम बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी करनी है, पे करनी है। उसके बाद प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ले लेना है। आफ्टर द सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी, यू विल हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, डाउनलोड करना है एंड ट्रेक द प्रिंट आउट ऑफ द सेम। अफिक्स द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन द प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म, फोटो शुड बी सेम एज अपलोडेड वन। साइन ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द लेफ्ट थम इम्प्रेशन। आफ्टर दैट द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी साइंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, सेकेंड PUC अलोंग विद ए सील। द कैंडिडेट विल हैव टू कैरी द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द हॉल टिकट ऑन द एग्जाम डे। या जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपको लेके जाना है। तो ये वन बाय वन स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं, इजी रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।